नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश टेक समाचार के एपिसोड में। और उम्मीद करता हूं आप लोगों की दिवाली बहुत कमाल की रही होगी और बहुत ही आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अपनी आपकी दिवाली कैसी रही कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो आज हम लोग यहां पर लेकर के आए हैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेश टेक समाचार। जी हाँ, दुनिया के कोने में क्या चल रहा है, क्या नया आने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे मजेदार इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। तो हम सबसे पहली खबर लेकर के आए हैं, वो आया है आ रहा है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। सैमसंग यहाँ पर नया एक प्रोसेसर, यहाँ पे नई सीरीज का एक प्रोसेसर लेकर के आ रहा है, जो कि एक्सिनस का 990 जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है। और अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर आपको 5G मॉडम भी देखने को मिलेगा, जो कि है यहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट 5123। और यहाँ पे पुराने जितने भी इनके प्रोसेसर्स थे उसको पीछे छोड़ करके ये आगे निकल रहा है। 120 Hz तक यहाँ पर ये डिस्प्ले की कैपेसिटी को यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। और जैसे 90 Hz वन प्लस के फोन में आता था, तो 120 Hz डिस्प्ले यहाँ पे सपोर्ट करेगा 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे 20% ज्यादा फास्टर है पुराने जितने भी अभी तक इनके प्रोसेसर्स है। और अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ये सारे कुछ जो निकल करके आ रहा है इन्फॉर्मेशन सैमसंग की तरफ से, ये अंदेशा दे रहा है सैमसंग का S11 की तैयारी का। जी हाँ, S11 आपको शायद जल्दी ही सैमसंग का देखने को मिले और उसी में ये चिपसेट शायद आपको यूसेज वहां पर पहली बार देखने को मिलेगा। तो ये खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। ऑनर का बैंड 5 तो हम लोगों ने यहां पर देखा, अनबॉक्सिंग भी देखी और उसका रिव्यू भी देखा। ऑनर बैंड 5 का अगर आप लोगों ने अभी तक यहां पर अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहां आई बटन में यही कहीं आपको दिख जाएगा, आप बिंदास जाकर उसे देख सकते हैं। तो वहीं अभी यहां हुआवे ने अपना जो पेरेंट कंपनी है ऑनर की, यहां पर कुछ बैंड 4 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इनफैक्ट लॉन्च हो ही जाएगा कुछ दिनों में। ये पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी है अगर हम बात करें तो बैंड 5 आई का, उसका ये मतलब रीब्रांडेड वेरिएंट है, या फिर हम बताएं तो कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके यहां पे दिया जा रहा है आपको। 2.5D का यहां पर आपको एक कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, इनफैक्ट जो राउंड शेप में आते हैं, प्लस यहां पर चार्जिंग पोर्ट आपको टाइप ए मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ऑनर का जो बैंड 5 है उसके कंपैरिजन में ये कितना बढ़िया है। तो ये शायद उतना बढ़िया ना निकले, क्योंकि यहां पर टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी सरदर्द होती है और इनफैक्ट किसी भी यूजर के लिए सबसे बड़ी सरदर्द होती है टाइप ए। अगर आपको यहां पर पोर्ट नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, तो यूएसबी चार्जिंग टाइप ए जो होती है वहां पर आपको अपने फिटनेस बैंड का जो स्ट्रैप होता है उसे आपको खोल के निकालना होता है चार्ज करने के लिए। किसी एक साइड पे खुलता है तो उसे ओपन करना होता है, फिर आप उसे चार्ज में लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस होता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सरदर्द होता है उसे खोलने और लगाने में। तो यहां पर ये निकल करके आ रहा है इन्फॉर्मेशन और जल्द ही आपको मार्केट में देखने को मिल भी जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहां पर अभी भी आपको NFC देखने को नहीं मिल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यहां रियलमी OS के बारे में बहुत सारे यहां पर र्यूमर्स निकल करके आए थे कि रियलमी OS आ रहा है, रियलमी OS आएगा, रियलमी OS ऐसा होगा। लेकिन यहां पर आस्क माधव जो यहां पे एपिसोड चलाते हैं रियलमी की तरफ से, जो माधव सेठ अपना चलाते हैं यूट्यूब पे, वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मतलब जो अंदेशे लग रहे हैं, जो उनकी बातों से लगा, यहां पे साफ जाहिर होता है कि अभी यहां पर आपको रियलमी OS वगैरह ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहां पर आपको कलर OS 7 देखने को मिलेगा। जी हां, कलर OS 7 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। यहां पर ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइसेस हैं सभी पे ये डाल दिया जाएगा, अपडेट पुश कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो कलर OS 7 यहां पर बताया जा रहा है कि ये एक्सक्लूसिव होगा रियलमी यूजर्स के लिए, उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड होंगे और यहां पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्लोज्ड टू स्टॉक एंड्रॉइड रहेगा। वहीं अगर हम आपको बात करें और बताएं आपको कि यहां पर रियलमी जो कंपनी है ये ओप्पो की ही सब ब्रांड कंपनी थी, जो कि यहां पर कुछ साल पहले यहां पर ओप्पो से अलग हो गई है। लेकिन वहीं पर थोड़ी डाइसी सिचुएशंस और निकल करके आ रही है कि ओप्पो का जो रेनो, जी हां रेनो के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो ओप्पो रेनो जो आ रहा है उसमें भी कलर OS 7 आपको देखने को मिलेगा। ये ओप्पो की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहां पर एक्सक्लूसिव वाला फंडा जो बताया गया वो तो यहां पर गलत साबित हो रहा है कि सिर्फ रियलमी यूजर्स के लिए, तो यहां ओप्पो भी उसका इस्तेमाल करने वाली है कलर OS 7 का। तो देखते हैं कि यहां पर कलर OS 7 कब आता है और कलर OS 7 में आपको यहां पर बहुत कुछ अलग यहां देखने को मिलेगा, डार्क मोड भी यहीं आपको देखने को मिलने वाला है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें हम कि यहां पर जो अगली खबर आ रही है वो भी आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का यहां पर फिटनेस बैंड आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जी हां, यहां पर रियलमी कोशिश कर रहा है कि जितने भी सेगमेंट्स हैं सभी को यहां पर कवर अप किया जाए। अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन के सेगमेंट में उन्होंने बजट, लोअर बजट से लेकर के हायर सेगमेंट तक पूरा का पूरा यहां पर कवर कर दिया है।
कहीं पर भी कुछ नहीं बचा है। 5000 से लेकर के उन्होंने यहां पर ऑलमोस्ट 17-18 हजार रुपए की प्राइस सेगमेंट तक में यहां पर हैंडसेट्स भर दिए है। वहीं अगर हम यहां पर बात करें प्रीमियम फोन्स की तो 855 प्लस चिपसेट वाला भी यहां पर आपको हैंडसेट जल्दी देखने को मिलेगा, और वहां पर भी आपको अगर हम बात करें तो वो सेगमेंट भी भर जाएगा। तो इन शॉर्ट पूरा सेगमेंट भर रहा है। तो वही रियलमी यहां पर कोशिश में जितने भी कैटेगरीज हैं एसेसरीज की या सारी चीजों को उसको भरा जाए। जैसे रियलमी ने यहां पर अभी फिलहाल के लिए यहां पर रिसेंटली यहां पर ईयरफोन्स लॉन्च किए, फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स लॉन्च किए, पावर बैंक्स लॉन्च किए, और वहीं अभी फिटनेस बैंड की तैयारी हो रही है। तो फिटनेस बैंड भी रियलमी की तरफ से आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी यूजर्स आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फायर स्टिक यूजर्स अब आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप एप्पल टीवी का यहां पर इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार हुआ खत्म। यहां पर फायर स्टिक के जितने भी सेगमेंट्स हैं सेकंड जनरेशन से लेकर के 4K वाला जो ऑप्शन है, यहां तक कि जनरल वाला एक जो बेसिक वेरिएंट आता है फायर स्टिक का, इन सब में आपको एप्पल टीवी देखने को मिलने वाला है। यहां पर बताया जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन वाला तो बेस रखा ही जाएगा प्लान्स वगैरह, वहीं यहां पर एप्पल टीवी में यहां पर एक और ऑप्शन रखा जाएगा जहां पर जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर उनके लिए कुछ यहां ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने पास्ट में कुछ आईट्यून्स से अगर डाउनलोड करके रखा हुआ है और अगर एप्पल टीवी यूजर अगर आप हैं तो वहां पर आप इन चीजों को वहां पर स्ट्रीम कर पाएंगे अपने फायर स्टिक पे। तो फायर स्टिक में यहां पर प्लेटफॉर्म पे एक और चीज यहां पर ऐड हो गया है फायर स्टिक। वहीं अगर हम बात करें तो फायर स्टिक के यूजर्स भी इंडिया में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या आप फायर स्टिक यूज करते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं जानना चाहूंगा कि हमारे इस परिवार में कितने लोग हैं जो कि फायर स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की टेक न्यूज शूट करना इतना आसान नहीं था क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं और मुझे बार बार ये कट करके मुझे अकेले ही शूट करना पड़ रहा है। बहुत बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई, मतलब आई कैनॉट एक्सप्लेन यू, बहुत बहुत मुझे यहां पर मेहनत लगी है। तो आते हैं यहां पर फटाफट टॉपिक पे, और अगर हम बात करें तो गूगल का वेलबींग यहां पर जो डिजिटल वेलबींग है यहां पर काफी सारे यूजर्स हैं, काफी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे हैंडसेट्स पे भी, ये अलग अलग हैंडसेट्स पे मॉडल्स पे भी लॉन्च हो रहा है। वहीं यहां पर अगर हम डिजिटल वेलबींग की बात करें तो यहां पर एक और खबर निकल करके आ रही है कि डिजिटल वेलबींग के यूजर्स के लिए यहां पर 5 अलग तरह के एप्लीकेशन गूगल ने यहां पर लॉन्च किया है, रिवील किया है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहां पर वो 5 जो एप्लीकेशन वो आपको मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। पहली चीज जो यहां पर आती है वो आता है डेजर्ट आइलैंड, फिर आपको मिलेगा वी फ्लिप, फिर यहां पर आपको मिलने वाला है मॉर्फ, और अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आपको पोस्ट बॉक्स भी मिलने वाला है, और सबसे लीस्ट बट नॉट द लास्ट अनलॉक क्लॉक आपको दिखने वाला है। तो ये 5 अलग अलग तरह के एप्लीकेशन यहां पर गूगल लॉन्च किया डिजिटल वेलबींग के लिए। तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये सारे के सारे एप्लीकेशन क्या करने वाला है, आपको डेली लाइफ में यहां पर क्या हेल्प मिलने वाला है। तो ये रही आज का टेक समाचार, मेहनत लगी है मेरे भाई, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और कुछ अगर सुझाव है तो फिर डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताएं, और कुछ नए टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जो भी जानकारी आपको दी है आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।